यूएसएड पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सिंध भर के 106 स्कूल मुकम्मल फाल हो गए। इन स्कूलों में तलबा मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। दुम्बा गोठ में नौतामीर शुदा स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम, कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल और सिंध के साबिक वजीर सरदार शाह ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वसीम। यूएसएड के ताउन से सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जदीद तर्ज के 106 स्कूलों की तामीर का संगे मील उबूर कर लिया गया। इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब जिला मलीर के गवर्नमेंट हाई स्कूल दुम्बा विलेज में मुनक्किद हुई, जहां तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। तकरीब में तलबा ने कौमी और सकाफती धुनों पर रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि आला मयार की बुनियादी तालीम हर बच्चे के लिए कामयाबी की एक सीढ़ी है। Today as a result of the Sindh Basic Education Program, 80,000 students from disadvantaged communities in 10 districts are getting a high quality education to help them reach their full potential. So to the students here today, stay in school, study hard, pursue your dreams and give back to your communities. तकरीब में सेक्रेटरी तालीम सिंध शीरी मुस्तफ़ा, साबिक वजीर तालीम सरदार शाह और दीगर अमायदीन ने शिरकत की। सिंध में 80,000 तलबा यूएसएड के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। सन 2011 में 15 करोड़ 90 लाख डॉलर्स की माली तआवुन से सिंध बेसिक एजुकेशन की बुनियाद रखी गई थी। इस तालीमी मनसूबे के जरिए पसमानदा इलाकों में जदीद तर्ज पर इमारतें तामीर की गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज़, कराची।